मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर विधानसभा पहुंचे। यहां भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा से पांडेश्वरी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी के पक्ष में मिश्रा ने प्रचार किया है। डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि 2 मई को दीदी की सरकार जाने वाली है। नौजवानों में जो उमंग है, जो उत्साह है, जो जुनून है, जो जज्बा है, वो ये बात बता रहा है कि इस बार दीदी का पत्ता साफ होने वाला है। किसी शायर ने कहा है कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप जवान लोगों जिधर मुड़े हो, इस बार का चुनाव इतिहास बनाने जा रहा है। एक ऐसा इतिहास जो पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार मनाया जाएगा। दीदी जा रही है, नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि 2 मई दीदी गई, और आने के बाद पहली कैबिनेट में पता है क्या निर्णय होने वाला है। हमारे माननीय अमित शाह जी ने कल परसों घोषणा पत्र जारी किया, तो उनने कहा कि पहला निर्णय होगा कि सीएए पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। अब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बड़े परेशान हो रहे हैं। सीएए लागू होने की खबर सुनी तो वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानी का कारण वो भ्रम फैला के राजनीति करते हैं, भय फैला के राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, बस यही दो बुनियादी फर्क। हमने जो कहा वो किया और इन्होंने जो कहा वो किया ही नहीं, और इसलिए दीदी कह रही खेला होगा, रोजगार होगा नहीं कह रही, नौकरी होगी नहीं कह रही दीदी, खेला होगा कह रही हूं। क्योंकि अगर नौकरी की बात की, बेरोजगारी की बात की, पैसे की बात की, तो लोग पूछेंगे 10 साल क्या किया, 10 साल से क्यों नहीं हटाई, क्यों नहीं नौकरी दी। तो इसलिए नौकरी की बात मत करो, रोजगार की मत करो, खेला होगा, विषय बदल दो। ये तृणमूल कहती है खेला होगा और भारतीय जनता पार्टी कहती है रोजगार होगा, गरीबी दूर होगी, मजदूरी पूरी मिलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है। हम इनको बाहर के नजर आते हैं, हमको बाहर का गुंडा कहती है, और इनको घुसपैठ ये घर के नजर आते हैं, अंदर के नजर आते हैं, हिंदुस्तान के लोग बाहर के नजर आते हैं। ये कैसी सोच है इनकी, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी दीदी। ये तुष्टीकरण की राजनीति मित्रों देश के लिए घातक है। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए है। इससे बाकी के दोनों देशों की सीमाएं लगी हुई है। कोई भी रोहिंग्या आता है, कोई भी घुसपैठिया आता है पश्चिम बंगाल के माध्यम से आता है, वो आता पश्चिम बंगाल में, उसकी आरती उतारती है दीदी, उसकी स्वागत करती है दीदी, क्योंकि दीदी का तो वोट आ गया। और यहाँ के गरीब पश्चिम बंगाल के आदमी के मुंह का निवाला चला गया, उसके मुंह की रोटी चली जाती है, हमारे लोकल लोगों का रोजगार चला जाता है, हमारे बंगाल के लोगों का रोजगार चला जाता है, और हमारा बंगाल का रोजगार वो घुसपैठिया ले जाता है, घुसपैठिया। दीदी घुसपैठियों का समर्थन करती है। ये अवसर है ये चुनाव, इसलिए मैंने कहा कि देखो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 में, लेकिन बात अकेले टीवी खोल लो आप, अखबार पढ़ लो आप, सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा पूरे देश में। क्यों पूरे देश के अंदर क्यों है? वो इसलिए है कि पश्चिम बंगाल इस वक्त राष्ट्रीयता का मुद्दा बना हुआ है, पश्चिम बंगाल आज भारत का मुद्दा बना हुआ है। ये दीदी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, आपने देखा होगा हमारी सेना जब पाकिस्तान के अंदर घुसी और पाकिस्तान के अंदर घुस के उसने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा, तो सेना पे सवाल अगर किसी ने उठाए
तो ये ममता बनर्जी जी ने सवाल उठाया।